हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज है हम लोग के पास न्यू यामाहा FZS वर्जन 4.0 के अंदर में आपको यहां पर दो नए कलर अब देखने को मिल जाते हैं। आज अपने पास जो इसका अपडेटेड कलर है वो है आइस ब्लू वर्मेलियन कलर, जो कि आपको MT-15 के अंदर में मिल जाता था। तो कलर के अलावा इस बाइक में और क्या अपडेट हुए हैं, कलर नया आ गया है तो उसके बाद क्या इसकी प्राइस रहने वाली है, क्या कुछ आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं और कितनी ये बाइक आपके लिए सही रहने वाली है। अगर आप यामाहा FZS वर्जन 4.0 को लेने के बारे में सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहने वाली है। आप लोग वीडियो में बने रहे इस और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब न किया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइक की लुक से। तो यहाँ से देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। अगर मैं आपको पास से चल के इसका कलर चेकआउट कराता हूँ कि जो कलर्स में आया हुआ है, आप अगर इसके टैंक की तरफ देखोगे तो ये आपको नया कलर मिल जाता है, जो कि आपको MT-15 के अंदर मिलता था आइस ब्लू वर्मेलियन कलर, वही आपको कलर मिलेगा यहाँ पर। थोड़ा ये मैट फिनिशिंग का रहने वाला है। बाकी हेडलाइट आप यहाँ से देख सकते हो कुछ ऐसी मिल जाती है टैंक के ऊपर में, आप देख सकते हो। यहाँ से हेडलाइट की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी हेडलाइट मिलती है। यहाँ पर एल टाइप में आपको DRL मिल जाते हैं, जो कि आप फ्रंट में देख सकते हैं। उसी के साथ ही साथ LED बेस्ड यहाँ पर टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो। इनमें आपको हैजार्ड नहीं मिलता है, केवल आपको सिंपल LED बेस्ड टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। फ्रंट में हाई बीम लो बीम दोनों का सेटअप आपको LED बेस्ड मिल जाता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक के सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि आपको 41mm के देखने को मिल जाते हैं। मडगार्ड आप चेक कर सकते हो, और अब आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर के ये अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं, जिनमें आपको 282mm की डिस्क मिल जाती है सिंगल चैनल ABS के साथ में। 100x80 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में मिलता है 17 inches के अलॉय व्हील के साथ में। यहाँ पर जो आकर साइड का पैनल आप चेक करते हो आपको प्लेन देखने को मिलेगा, यहाँ पर कोई भी आपको ग्राफिक्स वगैरह नहीं मिलते हैं। उसी के साथ में रियर ब्रेक का पैड आप चेक कर सकते हो, एग्जॉस्ट आप देख सकते हो, इसका मफलर भी आपको फाइबर बॉडी के अंदर मिलता है। रियर में भी आप देखो तो आपको ऑरेंज कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं। ये रियर में आपको TCS की प्लेट मिलेगी, ABS नहीं है, ये TCS की प्लेट है। और रियर में 220mm की डिस्क आपको देखने को मिलेगी। 140x60 सेक्शन का टायर रियर मिलेगा 17 inches के अलॉय व्हील के साथ में, और यहाँ पर आपको ग्रेविल मिल जाएगी जैसा कि आप चेक कर सकते हैं। टेल सेक्शन भी आप देख सकते हो, और अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको LED बेस्ड इंडिकेटर मिलते हैं। उसी के साथ ही टैंक आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक मिल जाएगा। उसी के साथ में 13 liter की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। E20 कंपेटेबल ये बाइक रहने वाली है, और ग्राफिक्स भी काफ़ी सही मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर ब्लू कोर वगैरह की बैजिंग मिल जाती है। फ्यूल ओपनर कैप आप यहाँ से देख सकते हो। उसी के साथ ही साथ टैंक के ऊपर में आपको यहाँ पर यामाहा का लोगो मिल जाएगा, और उसके साथ में FZS भी लिखा हुआ मिल जाता है। की आप चेक करो तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बेसिक सी की मिल जाएंगी, इनमें आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे। मीटर कंसोल अगर मैं दिखाता हूँ आपको, उससे पहले आप देखो यहाँ पर भी आपको 3D लोगो मिल जाता है FZS का, और ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ऑन करते हैं मीटर कंसोल तो यहाँ पर आपको आप चेक कर सकते हो फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, RPM मीटर सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटल में। क्लॉक भी मिल जाती है, बाकी आपको TCS भी यहीं पर शो करने वाला है। बाकी स्विचेस वगैरह आप देख सकते हो, साइड में का डिज़ाइन भी देख सकते हैं। राइडिंग पोस्चर बाइक का काफ़ी अच्छा आपको मिलता है। शेल्फ वगैरह का स्विच यहाँ पर आपको मिल जाता है ओवरऑल, और यहाँ से आप इसको एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर जो इसका है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर पाओगे। मीटर कंसोल डिजिटली है, इसमें सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। उसी के साथ ही साथ ओवरऑल अगर आप चेक करोगे यहाँ से आपको कोई भी किक नहीं मिलती है बाइक के अंदर में। इंजन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है 149cc का एक एयर कूल 4-stroke 2-valve SOS इंजन, जो कि आपको 12.4 PS की पावर लिस्ट करके देने वाला है 7,250 RPM पर। बाकी 13.3 Nm का टॉर्क आपको यहाँ से मिल जाएगा 5,500 RPM पर। बाइक का पावर फिगर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है सेगमेंट के अंदर में। उसी के साथ ही साथ इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग 45-50 KMPL तक की माइलेज। बाकी यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी लुक मिलती है। रियर से भी आप देख सकते हो इसका चैन स्पैकेट, और आपको जो इसका मडफ्लैप वगैरह ये आपको एक ही साथ देखने को मिलेगा। बाकी साड़ी गार्ड मिल जाएगा। उसी के साथ ही साथ सीट हाइट की बारे में बात करते हैं बाइक की, तो आपको यहाँ पर 790mm की सीट हाइट मिल जाती है। 165mm की यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है बाइक के अंदर में, और 133kg का यहाँ पर आपको इसमें कर्व वेट देखने को मिल जाता है, यानी कि 133kg का। उसी के साथ ही साथ और इस बाइक में कोई आपको और चेंजेस नहीं मिलते हैं। ये आपको कलर यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और अपने सेगमेंट में ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर सी बाइक लगती है। और अब बात करते हैं यामाहा FZS वर्जन 4.0 की नए वाले कलर की वेरियंट की प्राइस क्या रहने वाली है। इसकी प्राइस आपको देखने को मिलेगी 1,57,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में ऑन रोड कानपुर उत्तर प्रदेश में। उसी के साथ में कुछ यही आपको इसमें ओवरऑल फीचर्स मिलते हैं, मैंने साइड से आपको इसमें दे दी। तो अगर आपको ये बाइक परचेज करनी है या फिर यामाहा की लाइन में किसी बाइक को अगर आपको परचेज करना है तो आप विजिट कर सकते हैं नटराज यामाहा, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ से आके यामाहा की लाइन में किसी भी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ है इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।